नमस्कार, मैं पंडित नरेंद्र उपाध्याय लाइव हिंदुस्तान के ज्योतिषीय कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले 3 नवंबर 2022 की ग्रह स्थिति देखते हैं। राहु मेष राशि में, मंगल वक्री होकर मिथुन राशि में, सूर्य बुध शुक्र केतु तुला राशि में, जहां शुक्र स्वग्रही हैं और सूर्य नीच के हैं। शनि मकर राशि में, चंद्रमा का प्रवेश कुंभ राशि में हो चुका है और वक्री गुरु मीन राशि में गोचर में चल रहा है। राशिफल देखते हैं। मेष राशि, आय में आशातीत बढ़ोतरी, शुभ समाचार की प्राप्ति, यात्रा में लाभ, प्रेम संतान मध्यम, स्वास्थ्य भी मध्यम, सूर्य को जल दें। वृषभ राशि, व्यापारिक लाभ, कोर्ट कचहरी में विजय, राजनीतिक लाभ, स्वास्थ्य मध्यम, प्रेम संतान की स्थिति अच्छी, व्यापार बहुत अच्छा, शनिदेव को प्रणाम करते रहे। मिथुन राशि, भाग्य बस कुछ काम बनेंगे, यात्रा में लाभ होगा, धार्मिक बने रहेंगे, स्वास्थ्य अच्छा है, प्रेम संतान मध्यम है, व्यापारिक दृष्टिकोण से शुभता की तरफ जा रहे हैं, शनिदेव को प्रणाम करते रहे। कर्क राशि, चोट चपेट लग सकता है, किसी परेशानी में पड़ सकते हैं, परेशानियों का समय, विपरीत समय, स्वास्थ्य मध्यम, प्रेम संतान मध्यम, व्यापार भी मध्यम दिख रहा है, नीली वस्तु का दान करें। सिंह राशि, जीवन साथी का सानिध्य मिलेगा, रोजी रोजगार में तरक्की करेंगे, रंगीन बने रहेंगे, छुट्टी सा महसूस होगा, प्रेमी प्रेमिका की मुलाकात होगी, स्वास्थ्य मध्यम, प्रेम संतान व्यापार उत्तम, पीली वस्तु पास रखें। कन्या राशि, शत्रुओं पर भारी भारी पड़ेंगे, रुका हुआ कार्य चल पड़ेगा, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा, स्वास्थ्य मध्यम है, प्रेम संतान मध्यम, व्यापार बहुत अच्छा, शनिदेव को प्रणाम करते रहे। तुला राशि, भावनाओं में बह के कोई निर्णय मत लीजिएगा, विद्यार्थियों खासकर तकनीकी पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए शुभ समय, स्वास्थ्य नरम गरम, प्रेम संतान मध्यम, व्यापार बहुत अच्छा, शनिदेव को प्रणाम करते रहे। वृश्चिक राशि, गृह कलह का संकेत है, घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, स्वास्थ्य मध्यम रहेगा, प्रेम संतान मध्यम, व्यापार भी लगभग मध्यम रहेगा, नीली वस्तु का दान करें। धनुराशि, स्वास्थ्य पे ध्यान देने की आवश्यकता है, व्यापारिक कुछ अच्छी स्थिति जुड़ सकती है, स्वास्थ्य मध्यम, व्यापार उत्तम, प्रेम संतान की स्थिति भी मध्यम है, पीली वस्तु पास रखें। मकर राशि, आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है, जुआ सट्टा लॉटरी में पैसे मत लगाइएगा, कुटुंबों से मत उलझिए, स्वास्थ्य लगभग ठीक रहेगा, प्रेम संतान की स्थिति अच्छी है, व्यापार भी लगभग ठीक रहे, काली जी को प्रणाम करते रहे। कुंभ राशि, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, आकर्षण के केंद्र बने रहेंगे, आपका कद बढ़ेगा, स्वास्थ्य की स्थिति पहले से काफी बेहतर हो जाएगी, प्रेम संतान की स्थिति भी बेहतर है, व्यापार भी अच्छा रहेगा, गणेश जी को प्रणाम करते रहे। मीन राशि, स्वास्थ्य मध्यम रहेगा, संतान और प्रेम से दूरी रहेगी, व्यापारिक दृष्टिकोण से मध्यम समय कहा जाएगा, भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करें, उनका जलाभिषेक करें, शुभ हो। नमस्कार।